हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 51 शक्तिपीठों में से एक और पंजाब में स्थित एकमात्र शक्तिपीठ सिद्ध शक्तिपीठ विश्वमुखी श्री त्रिपुर मालिनी माँ दरबार में वार्षिक सामूहिक चौपहरे का आयोजन किया गया। इस दरबार में चौपहरा भरने की प्रथा सदियों पुरानी है। चौपहरे के दौरान भक्त चार पहर माँ के दरबार में हाजिरी भरते हैं। चौपहरे का शुभारंभ सुबह 8 बजे गणेश व वंदना से किया गया। सारा दिन पंजाब की प्रमुख भजन मंडलियों ने त्रिपुर मालिनी माँ की महिमा का गुणगान किया, जिसमें प्रमुख रूप से गायक राजकुमार सहगल, प्रदीप पुजारी, शिव भारद्वाज, अमित कुमार, गौरव चतरथ, विजय कौड़ा, चीनू सहगल सहित अन्य कलाकारों ने मन को मोहने वाले भजनों को सुनाकर सारे वातावरण को भक्तिमय रूप प्रदान किया। इस दौरान मंदिर प्रबंधक कमेटी की तरफ से मां भक्तों की सुविधा के लिए अनेक प्रकार के लंगर सुबह से लेकर शाम तक चलते रहे। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक एवं श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष शीतल विज, महासचिव राजेश विज, वरिष्ठ उप प्रधान ललित गुप्ता, कैशियर पविंदर बहल, पूर्व प्रधान विनोद गुप्ता, फाउंडर मेंबर सुदर्शन ज्योति, पूर्व पार्षद पति मनमोहन सिंह राजू, हरप्रीत वालिया ने ज्योति प्रज्वलित कर चौपहरे की शुरुआत की। इस अवसर पर लेखक बलबीर निर्दोष द्वारा रचित माँ त्रिपुर मालिनी के सिद्ध कारक और महाफलदायी चालीसा का संगीतमय पाठ भी किया गया। माँ के दरबार को सुंदर फूलों, गुब्बारों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। चौपहरे में देश के हर कोने से और विदेशों से भी भक्त शामिल हुए। चौपहरे को विश्राम सायंकालीन आरती के बाद दिया गया। इस मौके पर मंच संचालक बलदेवानंद यादव खोसला, रमन शर्मा, मुनीश शर्मा, सुनील अरोड़ा, दीपक झांजी, जगमोहन सिंह खोसला, नीरज मित्तल, गुरचरण बजाज, रमेश सहदेव, धर्मेंद्र तिवाड़ी, विनय आर्य, रविंदर लांबा, परेश मल्होत्रा, नवजोत पसरीचा, रॉकी बारी, वीरेंद्र खन्ना, मानव बजाज, बलदेवानंद, सुधीर अरोड़ा, हर्ष महाजन, ज्योति मरवाहा, राजू शर्मा, रमन मीर, अश्वनी शर्मा, राजेश वासल, सीमा महेंद्रू, रीटा शर्मा, अनीता तिवारी, सोना मलिक, सोनिया खोसला सहित बड़ी संख्या में मां भक्तों ने हाजिरी भरी। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। वालो ब्रिज नहरी ललारी आया बाके बिहारी, चुनरी रंगालो ब्रिज नारी रंगनारी आया बाके बिहारी, बाके बिहारी 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 आया बाके चुनरी रंगवालो ब्रिज नहरी ललारी आया बाके बिहारी, चुनरी रंगवालो ब्रिज नहरी ललारी आया बाके बिहारी। जय श्री कृष्ण। हमने कौन सी रंगाई? हमने रंगाई गुला नहरी ललारी आया बाके बिहारी।
गदरी रंगालो ब्रिज नारी नवारी आया बांके बिहारी चुनरी रंग वालो ब्रिज नारी ललारी आया बांके बिहारी चुनरी रंगालो ब्रिज नारी ललारी आया बांके बिहारी बांके बिहारी आया बांके बिहारी बांके बिहारी आया बांके बिहारी बांके बिहारी मेरे वड्डे वीर मानयोग श्रीमान शीतल विज जी मुख्य संपादक दैनिक सवेरा हलचल चैनल दैनिक सवेरा चैनल और प्रसिद्ध उद्योगपति माँ के चरणों में महाराणी का आशीर्वाद लैन वास्ते पहुँच चुके हैं। सब तो पहले सारी संगत वालों अपनी सारी टीम वालों मैं इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ कि कुछ दिन पहले ही जो माँ के दरबार में आए तो इन्होंने कोई डांट भी तो दसा मैंने लगाई भी मंदिर माँ का देखो कि कच जरा कांच है वह टुटिया हुआ है तुम मैं अज तक नहीं दसिया गलती साड़ी सी असी माफी भी मांगी इस गलती कि असं तो तक गल नहीं पहुँचा पाए लेकिन देखो दूसरे दिन शुक्रवार आए सर और शनिवार सवेरे 10 बजे तो यह कच्छ का काम जरा शुरू हो गया हम तुम देख रहे हो कि माँ के दरबार का जो प्रोग्राम है काम चल रहा है डेकोरेशन का काम चल रहा है सौंदर्यकरण का काम चल रहा है महाराणी के दरबार का ये साढ़े प्रधान श्री शीतल विज जी की बदौलत नहीं तो बड़ी देर तो यह जो कच्छ का काम से टुटन का काम से संगत के उत्ते छोटे छोटे कच्छ के टुकड़े डिगते सन तो दूसरे दिन काम शुरू हो गया और लगता है कि अगले एक महीने तक यह पूरा कंप्लीट हो जाएगा और माँ का यह मंदिर देखने योग होएगा। असं वैसे भी कहने स्वर्ग से सोना तेरा द्वार असं हथ जोड़ खड़े ये गल बिल्कुल ठीक है स्वर्ग तो सोहना दरबार है लेकिन कुछ जड़िया कमियां सन और द्वारा ठीक किया जा रहा है और सौंदर्यकरण पूरी तरह हो जाएगा। और पिछले शुक्रवार साड़ी भैन ने सू पैसे दते कहते जी मैं परची नहीं लेनी मैं कहते असी तो पैसे भी नहीं लेने परची देवे तद लवेंगे पैसा क्योंकि साढ़े प्रधान जी का हुक्म है उन्होंने परची कटा के दी फिर असी उन्होंने को पैसे ले सो कई संगत इदा की आँदी है जिहड़ी कहते नहीं जी पैसे ले लो लेकिन असं चाहते हैं कि एक एक दिता हुआ पैसा तुहाडा माँ के दरबार से लगे इस करके साडे प्रधान जी की सारी टीम की यह बेनती है सारी संगत दे के सौंदर्यकरण वास्ते भी कोई पैसा दो उसकी रसीद जरूर लेके जाओ यह मेरी बेनती है। महाराणी के दरबार से बैठी सारे माँ के प्रिय महाराणी के जब तक महारानी प्यार ना करे तब तक कोई घरवाना नहीं महारानी दे प्रिय भगत ने सारे नंद साहब ने कहा कि काम शुरू क्यों है महारानी ने अपना काम आप करा दी नंद साहब कोई वह काम कराने वाला कोई वो सारे का काम करा दी कोई कौन कर सकता वो तो एक जरिया बन जाता है कि भी चलो तो भी समय समय से इस शक्तिपीठ के बारे के सारे दसना चाहिए यदिया रुकावट भक्तों कोई भी प्रॉब्लम ये सारिया दूर करना यही ड्यूटी लगाई है महाराणी ने अपने सेवकों की चौकीदार की यही ड्यूटी है कम महामाई का काम आप करती है कदम कराना से उन्हें उदो ही कराना से नंद साहब नश देना से उन्हें देता कि नंद साहब ने दसिया इस तरह महाराणी के दरबार से कोई भी कमी हो तो कमेटी का काम ही है कमेटी कोई इस मंदिर की मालिक नहीं है कमेटी इस मंदिर की रख रखाव वास्ते महाराणी ने बनाई है और कमेटी का फर्ज बनता कि हर काम समय तो पहला किया जाए क्योंकि थोड़े सारे के काम समय तो पहला करती है तो असी तो पोचा मारने वाले सारे इन्हें सेवा दिती है करी जाने जितने जिनी लैनी है इन्हें सेवा उन्नी ही लैनी साडे श्री बलबीर नरदोश जी उन्होंने अंतक सेवा की पर जिनी लिखी सी उन्नी ही मिली उन्होंने बाकियों भी
जिन्नी इन्हें देनी है उन्नी मिलनी है, उस तो बाद किसी होर नूं दे देनी है। इहदा दरबार खाली नहीं रहना, ये ना किसी का घर खाली रहन दिंदी है तो ना दरबार खाली रहना। इस महाराणी का शक्तिपीठ जिहड़ा है देवतना मंदिर दे, इस शक्तिपीठ की महानता जिहड़ी है विश्व दे विच बड़ी बड़ी दूरों दुनिया आती है इत्थे आके अपनी मनोकामना पूर्ण करती है और ये सब नूं देंदी है। तो असीं लोग तां इहनूं की दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं दे सकते। इन्हें ही सब कुछ दिता है, इन्हें ही सब कुछ आया। बाकी संगत ने किसी ने सेवा करनी है नहीं करनी है उहदी अपनी श्रद्धा। तुसीं नौसरा दरिया करो, इन्हें आप ही लैने उन्होंने जिदे को लेने ना वो क्यों लेने, जिन्होंने सेवा नहीं देनी इन्हें वो घरों पैसे लैके आके भी उन्हें पैसे वापस चले जाने, उन्हें आप ही लै जाने देव च वापस, क्योंकि इन्हें लेने नहीं और इन्हें पता भी नहीं लगना पैसे क्यों वापस लै, क्योंकि यदि इच्छा नहीं होगी महाराणी की। जब यदि इच्छा बनती तो जेब क्यों बढ़ा लेंगी, कर्जा लैके भी लोग इतने जा के दरबार के सेवा कर। मैं बहुत ज़्यादा थोड़े बच्चा मैंने तुम्हें तो चुपहरे की अज के शर्मा दिन की महाराणी के चुपहरे के दिन की बहुत बहुत बधाई देना और भगवती माँ की अरदास करना सारे ने मनोकामना पूर्ण करी, इन्हों के सिर पर मेहर भरे हाथ रखी और कमेटी को सदबुद्धि नहीं यदि सेवा करने के सारे जने ना एकजुट होकर यदि सेवा करना। जय महाराणी या गारा तिरफुट माली मैया रानी की। ऋषि की जिंदगी मां कंडिया च रुल गई, कंडिया च रुल गई। ऋषि की जिंदगी मां कंडिया च रुल गई, कंडिया च रुल गई। तेरे ते भरोसा सीगा तू भी मैनू भुल गई, तू भी मैनू भुल गई। हां तेरे ते भरोसा सीगा तू भी मैनू भुल गई, तू भी मैनू भुल गई। बारी आ जा दातिए दातिए तक गई तक तक रा एक बारी आ जा दातिए मैं ले जाए लेख तेरे ए तो भी सकदा है, मैं ले जाए लेख तेरे ए तो भी सकदा है, मैं ले जाए लेख तेरे ए तो भी सकदा है। ए देवी सकदा ए खोवी सकदा ए देवी सकदा ए खोवी सकदा ए। मैं जदा पल्ला फड़िया मां मेरा काम कोई ना अड़िया, पल्ला फड़िया मां मेरा काम कोई ना अड़िया, जदा पल्ला फड़िया मां मेरा काम कोई ना अड़िया, पल्ला फड़िया मां मेरा काम कोई ना अड़िया। मैं झूठ बोला ते क्यों बोला, 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 मैं सब कुछ ते फड़िया मां और जदा पल्ला फड़िया मां मेरा काम कोई ना अड़िया, और जदा मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यार बच जाएगा तुमसे से पंछी निकल जाएगा, जब तू हाथ मलता ही रह जाएगा पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब तू हाथ मलता ही रह जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बा
जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब तू हाथ मलता ही रह जाएगा। निकाल देगा तेनो किथे मैं बिठावा शेरा वाली, निकाल मेरा निकाल जेहा तेनो किथे मैं बिठा शेरा वाली, निकाल मेरा निकाल जेहा तेनो किथे मैं बिठावा शेरा वाली, निकाल मेरा निकाल जेहा शेरवालिए, मैं आया जोता वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया जोता वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया जोता वालिए, बुलाया शेरा वालिए, मैं आया जोता वालिए। मल्ला लोको में है त्रिपुर माली का फड़िया, सोफा के मैं माई दिए ना, मेरा काम कोई ना अड़िया। जाता मल्ला लोको में है अम्बे माला फड़िया, सोफा के मैं मैया दिखे ना, मेरा काम कोई ना अड़िया। वो दुख मिट गए अपने आप, मिन कोई टेंशन नहीं, वो दुख मिट गए अपने आप, मिन कोई टेंशन नहीं, मातृपुर मालनी नाल मिन कोई टेंशन नहीं, मातृपुर मालनी नाल मिन कोई टेंशन नहीं, वो मिन कोई टेंशन महारानी कई होर भी कम कराने ने, मैं तो तेरे कोलो महारानी कई होर भी कम कराने ने, जो कीते मेहरबानी है, जो कीते मेहरबानी है, पर ओ सब पुराने ने, मैं तो तेरे कोलो महारानी कई होर भी कम कराने ने, तेरे कोलो महारानी कई होर भी कम कराने ने। तेरे पे मेनू आस बड़ी है, तेरे पे मेनू आस बड़ी है।
जगत दिया अखियां पे अखियां माता रानी ठीक करेगी माता रानी ठीक करेगी माता रानी ठीक करेगी माता रानी ठीक करेगी राही मुश्किलां दे खड़े जो पहाड़े राही मुश्किलां दे खड़े जो पहाड़े सनातन धर्म राम मंदिर मोहल्ला नंबर 17 जालंधर कैंट में अन्नकूट पर्व का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शिवानी महंत ने अन्नकूट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंदिर के चेयरमैन हरविंदर सिंह पप्पू, मंदिर के प्रधान कमल चौहान, मंदिर के पुजारी राजेंद्र शर्मा राजू ने आए हुए लोगों का धन्यवाद प्रकट किया। इस अवसर पर महिला मंडली द्वारा भजनों का गुणगान भी किया गया। इस अवसर पर प्रभु दयाल, लक्ष्य शर्मा, अनु शर्मा, उषा रानी और आशा रानी भी उपस्थित रहे। जालंधर कैंट से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जो कि हर साल की तरह इस साल भी श्री सनातन धर्म रामा मंदिर वालों जो अन्नकूट का लंगर जो कि आयोजन किया जाना वे साढ़े चेचे तौर के उपर श्री रामा मंदिर के अंदर शिवानी महंत जी जो कि साढ़े सीमा जी के है नाल वो आए हैं। अं इन्हों इतने आने बहुत बहुत अपने वालों और श्री सनातन धर्म रामा मंदिर वालों जो कि आशा जी, उषा जी,
प्रधान कमल चौहान जी और सूरज जी इन्हों पंडित जी समाप्त करेंगे और ये साढ़े आके इतने प्रभु राम जी का आशीर्वाद लिया। सनातन धर्म की जो बाबू जी ने हमको बुलाया, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, अपने नगरवासियों का, कैंट वालों का, अपने रामा मंदिर का, जो हमारे जन्म जन्मों का मंदिर है रामा मंदिर, इसको हमारे बुजुर्ग पूछते आए हैं। मैं भी अपना क्या कहें, इसमें मत्था टेकती हूँ और दुआ अपना अर्चना करती हूँ, सब अपने जिजमानों के लिए सबकी खैर मांगती हूँ, सब राजी रहें, कुछ मंगल रहें, हजार दिवालियाँ हजार दिवाली जाएँ, तंदुरुस्ती बख्शे महाराज, मेरे वाहेगुरु सतगुरु सबको अच्छा रखे, मेरी माता रानी सब पे कृपा बना के रखे, मेरे राम जी सब पे कृपा बना के रखे अपनी, और सब खुश रहे, मेरा यही आपको आशीर्वाद है। हाँ जी, सनातन धर्म रामा मंदिर अनुकूट का त्यौहार जो है सदियों से मनाया जा रहा है, जो कि हर वर्ष दवाई पूजा के बाद अनुकूट का महत्व होता है। गोवर्धन पूजा आज शाम को गोवर्धन पूजा भी रामा मंदिर में होगी, जिसको सजाने में टाइम लगाने में अनु जी ने टाइम दिया है, उन्होंने गोवर्धन की पूजा करनी है शाम को, उसकी पूजा भी महत्व अनुकूल से ही है, अनुकूल का महत्व बहुत होता है, इसका प्रसाद ही लेना, इसके मंदिर में ही आना, भगवान का आशीर्वाद मिलता है। हम आयुर्वेद संगत सबका धन्यवाद करते हैं। अनुकूल का जो महत्व है बहुत बड़ा महत्व है, इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल बालों से ही पिताजी का पूजन किया और पिताजी बाबा की पूजन की और उसके बाद छप्पन भोग लगाया, वही परंपरा भगवान श्री कृष्ण के समय से अब तक चलती आ रही है, जिसको सभी मंदिरों में बड़ी धूमधाम के साथ में मनाया जाता है। आज इसी उपलक्ष्य में श्री सनातन धर्म का मंदिर चेयरमैन हरिंदर सिंह प्रभु जी, कमल प्रधान जी, मोदिया जी, सभी मंदिर की संगत, सभी भक्तजन जो इन चरण धन से इस कार्यक्रम में सहयोग देते हैं, आप सभी उपस्थित हैं और इस समारोह में आज अनुकूल के अवसर पर हमारे बीच में हमारे बहुत ही सम्मानीय महंत जी श्री शिवानी जी। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर। फिट जालंधर में एसटीएफ की टीम ने दो नशा तस्करों को किया काबू, 220 ग्राम हेरोइन की बरामद। संगरूर के गांव खनाल कला में एक किसान के तूड़ी वाले कमरे में लगी आग, ट्रैक्टर जलकर हुआ राख। जालंधर के गुरु अमरदास चौक में मोटरसाइकिल इंपाउंड करने पर हुआ हंगामा, युवक ने पुलिस कर्मचारी पर नकली चाबी इस्तेमाल करने का लगाया आरोप। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।